दोस्तों ये है नॉर्मल फ्लश डोर की डिजाइन और ये है आज के ट्रेंडिंग लेटेस्ट फ्लश डोर की डिजाइन्स। और आज की इस वीडियो में हम इन लेटेस्ट और ट्रेंडिंग फ्लश डोर की डिजाइन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने डोर्स को कुछ इन प्रकार से इस प्रकार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे डिजाइन्स के बारे में बात करने वाले हैं ना जो आपको इंटरनेट पे गूगल पर कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप गूगल पर टाइप करो कि लेटेस्ट फ्लश डोर डिजाइन्स के बारे में मुझे बताओ तो वही पुरानी घिसी पीटी 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी आपको फ्लश डोर की डिजाइन दिखाकर बता देगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे वेस्टर्न थीम के डोर्स की डिजाइन देखेंगे ना जो आपको बिल्कुल आपके इंटीरियर के डोर्स को एकदम लग्जरी बना देंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह दांगी और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अव्याना इंटीरियर्स पे। सबसे पहले दोस्तों फ्लश डोर होता क्या है, इसकी कितनी थिकनेस आपको यूज करनी है, किसे आपको सिलेक्ट करना है, जब आप मार्केट में फ्लश डोर को सिलेक्ट करने जाओ तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसकी एक गेट की कॉस्टिंग क्या होने वाली है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आप जाकर देख लीजिए। उस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को आप जरूर देखिए या फिर इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्लश डोर की कॉस्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है और कितनी कॉस्टिंग आती है फ्लश डोर की। तो चलिए वन बाय वन हम फ्लश डोर की डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो नंबर वन, सबसे पहली डिजाइन तो दोस्तों फ्लश डोर की यही होती है कि हम जो पुराने करते आ रहे हैं अभी तक कि एक ब्लॉक बोर्ड लिया और फ्लश डोर। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, जो ब्लॉक बोर्ड होता है हमारा और फ्लश डोर होता है वो एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो ब्लॉक बोर्ड होता है वही फ्लश डोर में यूज किया जाता है, सभी प्रकार के फ्लश डोर में ब्लॉक बोर्ड ही यूज किया जाता है। और जो ब्लॉक बोर्ड होता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, लंबी लंबी स्टिक्स उसके अंदर रखी जाती है क्योंकि वो स्ट्रेट होता है, कभी भी बेंड नहीं हो सकता है, इसीलिए हम फ्लश डोर के अंदर ब्लॉक बोर्ड का ही यूज करते हैं। तो वीडियो में मैं कभी ब्लॉक बोर्ड की जगह फ्लश डोर बोल दूं, फ्लश डोर की जगह ब्लॉक बोर्ड बोल दूं तो बात एक ही होता है। तो हमारी सबसे पहली डिजाइन जो हम करते आ रहे हैं कि हमने एक ब्लॉक बोर्ड लिया, उसके दोनों साइड पे हमने 1 mm की सनमाइका चिपका दी, मैट फिनिश की, ग्लॉस फिनिश की और एक्रेलिक शीट भी हम उसके ऊपर चिपका सकते हैं और हमारा फ्लश डोर बनकर तैयार हो गया। तो ये तो बहुत पुरानी मेथड है। अब दूसरी तरह का जो डिजाइन होता है हमारा फ्लश डोर से हम प्ले कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ग्रूविंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी सारे ट्रेंडिंग में चल रही है ग्रूविंग डिजाइन, कुछ वर्टिकल ग्रूविंग के आप पट्टे डाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल ग्रूविंग के आप पट्टे डाल सकते हो, लेकिन ग्रूविंग डालते समय आपको स्केलिंग का ध्यान रखना है। ऐसे ही अनसर्न आपको ग्रूविंग नहीं करनी है, एक बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकल ग्रूविंग में आपको डोर करना है, बिल्कुल डिजाइन करना है, तभी वो आपका डोर लग्जरियस लगेगा। उसके बाद उस ग्रूविंग में आप पेंट कर सकते हो, आपकी लेमिनेट से सिमिलर मिलता जुलता उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिजाइन के साथ आप प्ले कर सकते हो, टी पट्टी के साथ आप प्ले कर सकते हो। टी प्रोफाइल का नाम आपने जरूर सुना होगा या फिर आपने यूज करा भी होगा दोस्तों। इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नॉर्मल फ्लश डोर लिया, नॉर्मल ब्लॉक बोर्ड लिया, उसके ऊपर आपकी मनपसंद सनमाइका चिपका दी, लेमिनेट चिपका दी, उसके ऊपर आपने ग्रूविंग कर दिया और ग्रूविंग करने के बाद उस पर आप लगाओ के टी पट्टी टी काट काट कर अलग अलग डिजाइन में आप लगा सकते हो। कुछ साइड में आप जैसे कि वीडियो क्लिप चल रही है कुछ इस प्रकार के डोर्स आप इसमें बना सकते हो। और इसमें भी दोस्तों आपको स्केलिंग का ध्यान रखना है कि अगर आप टी पट्टी लगा रहे हो वो बिल्कुल एक परफेक्ट सिमेट्रिकल में होनी चाहिए, एक अच्छी डिजाइन में होनी चाहिए, आपको खिचुड़ पिचुड़ नहीं करना है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट तरह की जो डिजाइन होती है और जो मेरी फेवरेट डिजाइन होती है और आपकी भी फेवरेट डिजाइन ये बन जाएगी, सिंपल टिकाऊ नॉर्मल सस्ता सुंदर और टिकाऊ वाला जो फ्लश डोर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप की डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं। इस टाइप की डिज़ाइन सबसे पहले आप फोटो देखो, ये फोटो देखो, आ गया ना मज़ा। इस टाइप के डोर्स आप कैसे बना सकते हो चलिए जानते हैं। तो इस टाइप के डोर्स में हम यूज़ करेंगे दोस्तों एनेमल मैट फिनिश पेंट। जी हाँ दोस्तों, एनेमल मैट फिनिश पेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ एनेमल पेंट लेना है और वो भी मैट फिनिश का लेना है, ग्लॉस फिनिश का नहीं लेना है, सेटिन फिनिश का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ मैट फिनिश के पेंट में ही आपको ये मज़ा देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्लश डोर लेंगे। फ्लश डोर हमेशा दोस्तों आपको 35 mm का ही फ्लश डोर लेना है। कोई अगर आपसे बोले, अगर डीलर आपसे बोले कि भैया ये 25 mm का भी चल जाएगा, 30 mm का भी चल जाएगा, 19 mm का भी फ्लश डोर आता है, तो वो आपको नहीं लेना है। हमेशा जो डोर की जो थिकनेस होनी चाहिए वो 35 mm ही होनी चाहिए। तो 35 mm का आपने फ्लश डोर ले लिया, उसके ऊपर आपने यूज़ करिए मोल्ड
मोल्डिंग्स। अब मोल्डिंग्स और वॉल ट्रिम्स बात एक ही होता है। मोल्डिंग्स के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है और काफ़ी लग्जरी डिज़ाइंस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसकी मोल्डिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि दोस्तों ये बजट में आती है, काफ़ी अफोर्डेबल होती है, बजट फ्रेंडली होती है, ज़्यादा कॉस्टिंग होती है और आपके डोर को काफ़ी लग्जरी लुक देने में हेल्प कर देती है ये मोल्डिंग्स। तो आपने सबसे पहले फ्लश डोर को लेना है, फिर मोल्डिंग्स लेना है। अलग अलग टाइप की, अलग अलग डिज़ाइंस की आपको मोल्डिंग्स को मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों मोल्डिंग्स की डिटेल्ड वीडियो आपको बताऊंगा, उसके पीवीसी टाइप बताऊंगा, डब्ल्यूपीसी के टाइप्स बताऊंगा, वुडन के मोल्डिंग्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। किस तरीके आप मोल्डिंग्स के साथ प्ले कर सकते हैं, वॉल पेंटिंग में प्ले कर सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर आने वाली है, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लश डोर लेना है, उसके बाद आपको मोल्डिंग्स लेनी है। मोल्डिंग्स की आपको कुछ रेक्टेंगल शेप में आपकी डिज़ाइन बना देना है, चिपका देना है मोल्डिंग्स। उसके बाद आपको क्या करना है, पेंट कर देना है सीधा एनिमल मैट फिनिश पेंट। और एनिमल मैट फिनिश पेंट करने के बाद आपका कुछ डोर इस प्रकार का हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप सॉलिड कलर्स करोगे, जैसे कि वाइट कलर्स करोगे, अगर आपका इंटीरियर में आप वाइट थीम दे रहे हो तो वाइट डोर के साथ जा सकते हैं, ग्रे डोर्स के साथ जा सकते हैं, लाइट ब्राउन डोर के साथ जा सकते हैं। तो इस टाइप के कलर शेड्स आपको एनिमल मैट फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया एनिमल मैट फिनिश पेंट में आपको ज़्यादा कलर्स ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, ऐसा नहीं है, बहुत कलर ऑप्शन अवेलेबल है भैया आपको एनिमल मैट फिनिश में। और दोस्तों एनिमल मैट फिनिश पेंट को करने से पहले आपको सबसे पहले आपका जो बोर्ड है उसके ऊपर आपको बेस बनाना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है, आपको सबसे पहले बेस बनाना पड़ेगा। बेस किस चीज़ का बना सकते हैं आप, चौक मिट्टी का आप बेस बना सकते हैं, या फिर डीको पुट्टी आती है उसका भी आप बेस बना सकते हैं। जो डीको पुट्टी आती है वो थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन चौक मिट्टी से भी आप का बेस बना सकते हैं। उसकी सरफेस स्मूथ करना पड़ता है, उसके बाद आपको एनिमल मैट फिनिश करना पड़ता है। तो एक और पार्ट से मैं प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। आपने फ्लश डोर लिया, फ्लश डोर के ऊपर आपने मोल्डिंग्स रखी, मोल्डिंग्स के बाद आपको बेस बनाना पड़ता है। किससे, चौक मिट्टी के पाउडर से आपने बेस बनाया या फिर डीको पुट्टी से बेस बना दिया, उसके बाद स्मूथ हो गई, उसके बाद आपको डायरेक्टली एनिमल मैट फिनिश पेंट कर देना है। बात करते हैं फ्लश डोर के नेक्स्ट डिज़ाइन के बारे में, जिसमें हम MDF बोर्ड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 यानी 32 mm का फ्लश डोर लेंगे, 32 mm का ब्लॉक बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर हम 3 mm का MDF का बोर्ड लगा देंगे। और 3 mm का MDF बोर्ड लगाने के बाद हमारा टोटल फ्लश डोर की थिकनेस बन जाएगी 35 mm। तो हमेशा हमारा जो फ्लश डोर की जो थिकनेस होती है वो हमेशा 35 mm ही करनी होती है। तो हमने 32 mm का फ्लश डोर ले लिया, 3 mm की हमने MDF बोर्ड ले लिया, उसके ऊपर चिपका दिया है। उसके बाद हम उसके ऊपर ग्रूव कर सकते हैं अलग अलग, फिर ग्रूव करने के बाद हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, डीको पेंट कर सकते हैं, PU पेंट कर सकते हैं। अब इस केस में हमने क्या कर दिया है, उसके ऊपर हमने MDF चिपका दिया है। और MDF के ऊपर जो डीको पेंट होता है, जो PU पेंट होता है, वो हमेशा 100% अपना आउटपुट देता है, क्योंकि जो MDF की जो सरफेस होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, और उसके ऊपर जो डीको पेंट होता है ना, उसका जो रिजल्ट मज़ा ला देगा आपको। साइड में आप फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने फ्लश डोर के ऊपर MDF चिपका कर ब्लैक कलर का यहाँ पर डीको पेंट कर दिया है, डार्क ब्लैक कलर का यहाँ पर डीको पेंट कर दिया है, और जो फ्लश डोर है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आप इस डिज़ाइन के साथ भी जा सकते हो, जैसे कि आपने फ्लश डोर लिया, फ्लश डोर के ऊपर आपने 3 mm का आपने MDF का बोर्ड लगा दिया, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मोल्डिंग्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मोल्डिंग्स आप लगा सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसमें एनिमल मैट फिनिश कर सकते हैं। लेकिन एनिमल मैट फिनिश को करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है, बेस बनाना है चौक मिट्टी से या फिर डीको पुट्टी से बेस बनाना है, उसके बाद ही आपको एनिमल मैट फिनिश करना है। इसके बाद दोस्तों फ्लश डोर की नेक्स्ट डिज़ाइन में आप लूअर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, MDF का भी आप लूअर्स बना सकते हो। जैसे कि MDF बोर्ड के अलग अलग पट्टे को काट कर आप फ्लश डोर के ऊपर चिपका सकते हो, और वो लूअर डिज़ाइन में आप फ्लश डोर अपना तैयार कर सकते हो। फिर अगेन उसके ऊपर आप पॉलिश कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, डीको कर सकते हो, PU कर सकते हो, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मली अगर आप PU पेंट करोगे
करोगे तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी काफ़ी ज़्यादा आएगी, 500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जाती है, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट तक स्टार्ट भी होती है, ठीक है। तो पी यू की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है और टीको की कॉस्टिंग भी जनरली 300 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको पड़ जाती है, क्योंकि उसमें जो उसकी जो प्रोसेस होती है काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वो ले लेती है पी यू और डीको करने में। लेकिन आपका जो डोर है उसमें जो लग्जरी वो ऐड करेगा ना, आप चौंक जाओगे, इतनी लग्जरी वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, लूअर डिज़ाइन में भी आप अपना डोर्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद लूअर पैनल्स भी आते हैं, फ्लूटेड लूअर पैनल्स भी आने लग गए भैया, MDF के बने बनाए, तो उनको आप यूज़ करिएगा दोस्तों। ये आजकल के ट्रेंडिंग मटेरियल्स है दोस्तों, जिन्हें आप अपने डोर्स में यूज़ करेंगे। दोस्तों जो पुराने हम फ्लश डोर यूज़ करते थे, नॉर्मली हमने दोनों तरफ लेमिनेट की शीट चिपका दी, उसके बाद हम नॉर्मली लॉक लगा देते, कब्जे लगाते, तो हमारा फ्लश डोर बनकर तैयार हो जाता है। अब वो डिज़ाइन का ज़माना गया है दोस्तों। आपको अगर आप अपने घर में आज अपना मकान बना रहे, आज अपने नए डोर्स को आप रिनोवेट कर रहे, तो आपको आज की ट्रेंडिंग डिज़ाइंस को यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। आप पुरानी डिज़ाइन को यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, और वो देखने में भी काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आप इन डिज़ाइंस को फॉलो करके अपने डोर्स को अगर आप रिनोवेट कर रहे हो तो उन्हें आप लग्जरी फील दे सकते हो। जो वेस्टर्न थीम होती है उसे आप अपने इंटीरियर में ला सकते हो। इस वीडियो में हमने कुछ 5 या 6 हमने टाइप्स के डिज़ाइंस के बारे में हमने जानी है। कैसे लगी आपको ये डिज़ाइंस और आप किस डिज़ाइन के साथ जाओगे और कौन सी डिज़ाइंस आपको इनमें से बेस्ट लगेगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और क्या आप इन डिज़ाइंस की कॉस्टिंग के बारे में जानना चाहते हो, क्या आप ये जो इनेमल मेट फिनिश वाला जो प्रोसेस होता है, नॉर्मल सॉलिड वुड लेके उसमें हमने मोल्डिंग चिपका दी, उसके बाद हमने इनेमल मेट फिनिश करने में कितना क्या खर्चा आएगा, वो जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।